खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। वक्त हो चला है दिन भर की खास खबरों का, तो आइए रुख करते हैं, देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें हमारे न्यूज बुलेटिन में। दिन 29 जुलाई 2022 बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना से आ रही है, जहां सरधना के पावर लूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आग से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस ने बचाई आग में फंसे हुए परिवार की जान। आपको बता दें, सरधाने के मोहल्ला गोमती नगर में शुक्रवार अल सुबह एक पावर लूम फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 3 गाड़ियों को उस पर काबू करने में कई घंटे मशक्कत करने पड़ी। हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। मोहल्ला गोमती नगर से सलीम पुत्र हनीफ की पावर लूम फैक्ट्री है, उसी के ऊपरी मंजिल पर सलीम का परिवार रहता है। शुक्रवार अल सुबह फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ और पॉलिस्टर के धागों में भीषण आग लग गई। देखते ही देख आग पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपरी मंजिल पर सो रहे परिवार के दर्जन भर लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। सूचना के बाद सरधना पुलिस और दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और सबसे ऊपरी मंजिल पर फंसे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। संकरी गली होने के कारण आग बुझाने में पुलिस को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के कई घंटे का समय लगा। तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का रखा कपड़ा तैयार जलकर राख हो चुका था। गनीमत रहा कि हादसे में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मैं आरके सिंह, अग्निशमन अधिकारी। मेरी टीम एक यहाँ सरधना में भी रहती है। मैं मेरठ से आया हूँ सिटी से, कि मुझे सूचना मिल गई थी। मैंने 2 गाड़ियाँ वहाँ से भेजी और 1 गाड़ी यहाँ से। पूरी टीम ने सकुशल अग्निकांड पर काम किया है और फैमिली पर फंसी हुई थी, उसको बता लिया गया। आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। दूसरी खबर मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर पिता ने पुत्र पर चलाई, पुत्र घायल। परतापुर थाना क्षेत्र के भूल बदल गांव में जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र में कहासुनी हो गई, जिससे आक्रोशित पिता ने छत के ऊपर खड़े पुत्र पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी, जिससे छत पर खड़े पुत्र को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, भूल बराल गांव में रहने वाले महकार सिंह के 2 पुत्र नीरज और प्रदीप हैं, जो कि अपने पिता से अलग रहते हैं। शुक्रवार सुबह महकार सिंह एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर गांव के पास पड़ी जमीन को नाप रहा था और बेचने की बात कर रहा था, जिसका विरोध महकार सिंह के छोटे पुत्र प्रदीप ने किया, तो पिता आक्रोशित हो गया और घर में रखी अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने छोटे पुत्र प्रदीप पर गोली चला दी, जिससे प्रदीप के सर में बंदूक के छर्रे निकल लगे। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और ये घायल हो गया। घायल को देख आसपास के लोगों ने उसे भूल बराल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टर ने उसका प्रथम उपचार करने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची प्रतापगढ़ पुलिस ने आरोपी पिता को महकार सिंह को लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और घटना की जांच में जुट गई। बच्चे प्रेयर के लिए अंदर जा रहे थे, मैं उन्हें अंदर कर रहा था, तो मेरी घरवाली ने ऊपर से देखा कि पापा आए हुए गाड़ी लेके, जमीन मैं जमीन को नपवा रहे हैं। और दूसरी बात, जब मैं उन्हें बच्चों को अंदर करके वैसे ही चला गया, उनके पास के पास मैं रोड के ऊपर खड़ा था, वो परे खड़े थे, तो मैं उससे डीलर से कहने लगा, भैया हम जमीन ना बेच रहे, तो नो साले तुझे बनावा मैं नेता नू करके सीधी गोली लिखाड़ गया, गोली मारी सीधी मेरे। किस चीज़ से गोली मारी? बंदूक से, उन पर लाइसेंस है बंदूक का। तो गोली कहाँ लगी? मेरे सिर में लगी है।